तंबोर क्षेत्र के शारदा नदी के उफान से आई बाढ़ का जायजा लेने आज प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने स्वयं विकास खंड बेहटा के ग्राम भिखिया जालेपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के द्वारा बेहटा में बने हेलीपैड से उतरकर सड़क मार्ग से भिखिया जालेपुर पहुंचे, जहां प्राथमिक विद्यालय में बाढ़ पीड़ितों व कुछ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से बाढ़ जैसी दैवीआपदा में सभी पीड़ितों के साथ खड़ी है। सभी बाढ़ पीड़ितों को समुचित राहत सामग्री वितरित की जा रही है। अन्य प्रदेशों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में मामूली जनहानि हुई है, यह सब सरकार की पूर्व तैयारी से ही संभव हुआ। हम आश्वासन देते हैं कि शारदा में पानी कम होने के बाद शारदा नदी के तट पर बसे सभी गांवों को कटान व बाढ़ से बचाने का अस्थायी समाधान किया जाएगा, चाहे तटबंध ही क्यों न बनाना पड़े। सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। बैठक को सांसद राजेश वर्मा, सांसद रेखा वर्मा, विधायक सुरेश रही, विधायक सुनील वर्मा, विधायक महेंद्र यादव, विधायक रामकृष्ण ने भी बैठक को संबोधित किया। बैठक में जिला अधिकारी सीतापुर ने अब तक बाढ़ पीड़ितों को दिए गए लाभ, किए जा रहे प्रयास व प्रभावित आबादी तथा क्षेत्रफल की जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित गाँव हरकी बेहड़ की 10 बाढ़ पीड़ितों को अपने हाथ से राहत सामग्री वितरित किया। हरकी बेहड़ के बाढ़ पीड़ितों में रुना देवी, कृष्णा देवी, फुलझारा पत्नी मैकू, सर्वेश यादव पुत्र राजा राम, भानु प्रताप पुत्र पराग दत्त, प्रमोद कुमार पुत्र शिवराम, आशा राम पुत्र मैकू, सुरेश पाल, हरिहर सिंह, अमरेंद्र को राहत सामग्री वितरित की गई। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी थी, बाढ़ पीड़ितों का हाल लेने पहुंची। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला सड़क मार्ग से हेलीपैड स्थल बेहटा की ओर रवाना हो गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी दिनेश तिवारी, जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता, अचिन मल्होत्रा, पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष राम जीवन जायसवाल, मनीष नाग, मनोज नाग, जयकुमार वर्मा समेत समस्त भाजपा नेता मौजूद थे। इसी के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री